गश्त ते निकलिया सी कांस्टेबल, वेखो किवें कुचल गई कार। मौके ते ही हो गई कांस्टेबल दी मौत। दस दे के एक कांस्टेबल जो के अद्धी रात नूं गश्त ते सी, तां इसी दौरान एक कार चालक इन्हां नूं पिछों दी टक्कर मार जांदा है, जिस कारण इसकी मौके ते ही मौत हो जाती है। जबकि कार चालक टक्कर मारन तो बाद मौके तो फरार हो जाता है। तो मिली जानकारी अनुसार रात नूं जदों इह कॉन्सटेबल गश्त कर रहा हों तो इस दौरान कार बड़ी तेजी के नाल आती है, तो इस कॉन्सटेबल को भयानक टक्कर मार दी है, जिस कारण गंभीर जख्मी हो जाता है। तो इस हस्पताल दे विच भर्ती करवाया जाता है, पर इसकी मौत हो जाती है। तो दस दें कि हादसे दे विच कार चालक मौके तो फरार हो गया, जिस तों बाद इस संबंधी सूचना पुलिस को दी गई है। तो पुलिस हुण सीसीटीवी के राही इन्हां कार चालकां की भाल कर रही है। तो तुहानूं दस दईए कि यह पुणे दे विच हिट एंड रन केस का मामला सामने आया, जिथे टक्कर मारन तो बाद कार चालक मौके तो फरार होया है, तो एक कॉन्सटेबल की हादसे दे विच मौत हो गई है। तो पुलिस दे वल्लों हुण इन्हां कार चालकां की भाल की जा रही है, तो सीसीटीवी राही इन्हां नूं ट्रेस किया जा रहा है। खड़की पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रात को 1:40 के करीब हमको सूचना मिली कि हैरिस ब्रिज के पास गोपुड़ी अंडरपास, रेलवे अंडरपास के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। वहाँ पे तुरंत हमारे नाइट के बीट मार्शल और नाइट के जो ड्यूटी ऑफिसर है वो वहाँ पे गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि हमारे 2 पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस हवलदार कोळी और पुलिस कांस्टेबल शिंदे वहाँ पे जख्मी पड़े थे, तो उनको वहाँ से उठा के फिर कंटेनमेंट हॉस्पिटल खड़की में ले गए। वहाँ पे खड़की हॉस्पिटल में जब उनको लेके गए तो डॉक्टर ने उनको जांच के बाद पुलिस हवलदार कोळी जो थे उनको मृत घोषित किया है, और जो हमारे दूसरे पुलिस कांस्टेबल है शिंदे उनको रूबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। सर आरोपी को कोई गिरफ्तार किया गया है? हम लोगों ने वहाँ पे जो आजू बाजू के सीसीटीवी है उसमें से 10-15 गाड़ियों के नंबर जीरोइंग किए, उसके आधार पे हम लोग ये गुना डिटेक्ट करेंगे। सर एग्जैक्ट कौन सी गाड़ी है, बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि गाड़ी कौन सी अभी तक पता नहीं चला है, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। गश्त ते निकलिया सी कांस्टेबल, वेखो किवें कुचल गई कार। मौके ते ही हो गई कांस्टेबल दी मौत। तां दस दे कि एक कांस्टेबल जो के अद्धी रात नूं गश्त ते सी, तां इसी दौरान एक कार चालक इन्हां नूं पिछों दी टक्कर मार जांदा है, जिस कारण इसकी मौके ते ही मौत हो जाती है। जबकि कार चालक टक्कर मारन तो बाद मौके तो फरार हो जाता है। तो मिली जानकारी अनुसार रात नूं जदों इह कॉन्सटेबल गश्त कर रहा हों तो इस दौरान कार बड़ी तेजी के नाल आती है, तो इस कॉन्सटेबल को भयानक टक्कर मार दी है, जिस कारण गंभीर जख्मी हो जाता है। तो इस हस्पताल दे विच भर्ती करवाया जाता है, पर इसकी मौत हो जाती है। तो दस दें कि हादसे दे विच कार चालक मौके तो फरार हो गया, जिस तों बाद इस संबंधी सूचना पुलिस को दी गई है। तो पुलिस हुण सीसीटीवी के राही इन्हां कार चालकां की भाल कर रही है। तो तुहानूं दस दईए कि यह पुणे दे विच हिट एंड रन केस का मामला सामने आया, जिथे टक्कर मारन तो बाद कार चालक मौके तो फरार होया है, तो एक कॉन्सटेबल की हादसे दे विच मौत हो गई है। तो पुलिस दे वल्लों हुण इन्हां कार चालकां की भाल की जा रही है, तो सीसीटीवी राही इन्हां नूं ट्रेस किया जा रहा है। खड़की पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रात को 1:40 के करीब हमको सूचना मिली कि हैरिस ब्रिज के पास गोपुड़ी अंडरपास, रेलवे अंडरपास के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। वहाँ पे तुरंत हमारे नाइट के बीट मार्शल और नाइट के जो ड्यूटी ऑफिसर है वो वहाँ पे गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि हमारे 2 पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस हवलदार कोळी और पुलिस कांस्टेबल शिंदे वहाँ पे जख्मी पड़े थे, तो उनको वहाँ से उठा के फिर कंटेनमेंट हॉस्पिटल खड़की में ले गए। वहाँ पे खड़की हॉस्पिटल में जब उनको लेके गए तो डॉक्टर ने उनको जांच के बाद पुलिस हवलदार कोळी जो थे उनको मृत घोषित किया है, और जो हमारे दूसरे पुलिस कांस्टेबल है शिंदे उनको रूबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। सर आरोपी को कोई गिरफ्तार किया गया है?
हम लोगों ने वहाँ पे जो आजू बाजू के सीसीटीवी है उसमें से 10-15 गाड़ियों के नंबर जीरोइंग किए, उसके आधार पे हम लोग ये गुना डिटेक्ट करेंगे। सर एग्जैक्ट कौन सी गाड़ी है, बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि गाड़ी कौन सी अभी तक पता नहीं चला है, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है।